प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 11 जून को प्रस्तावित प्रतापगढ़ दौरे की तैयारियों को लेकर आज कार्यक्रम प्रभारी डूंगरपुर जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया प्रतापगढ़ पहुंचे। खोड़निया ने यहां सर्किट हाउस में कलेक्टर, विधायक, एसपी और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ व्यवस्था को लेकर चर्चा की। गहलोत 11 जून को विधायक रामलाल मीणा के पुत्र के विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। डूंगरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने बताया कि आगामी 11 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के पुत्र के विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। गहलोत जिले में चल रहे महंगाई राहत शिविरों का भी दौरान निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज खोड़निया ने सर्किट हाउस में विधायक रामलाल मीणा, एसपी अमित कुमार, कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ बैठक की। बैठक में गहलोत के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। खोड़निया ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत इस दौरान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले की कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन करेंगे। उन्होंने बताया कि गहलोत द्वारा प्रदेश और प्रतापगढ़ जिले की जनता को जो अपूर्व सौगातें दी गई है, उसके लिए उनका ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। खोड़निया ने प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थलों का भी जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आगामी 11 तारीख को प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वो पूरे राजस्थान के अंदर महंगाई राहत कैंप के अंदर वो जा रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और उसी के साथ हमारे विधायक रामलाल जी के घर में भी वैवाहिक कार्यक्रम है, उसमें भी शिरकत करेंगे और साथ ही चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने का भी उनका कार्यक्रम है। उसी की तैयारियों को लेकर के आज हम सब ने, रामलाल जी, हमारे शिव जी, सुरेन जी और कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों ने उनके कार्यक्रम के जिस जिस स्थल है उस सब हमने देख करके व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है। और जैसा कि यहाँ से कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं तो राजस्थान के अंदर सबसे ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियाँ यहाँ पर हमारे लोकप्रिय विधायक रामलाल जी के नेतृत्व में होने जा रही है और उसी के आज हम सब ने मिलकर के व्यवस्थाएँ देखी।